बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों राज्य में हुए घटनाक्रम के बाद मंत्रियों के फेरबदल और परिवर्तन पर उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में सरकार और संगठन बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, लिहाजा कोई भी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। सरकार और संगठन में भी बेहतर तालमेल है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने MBPG कॉलेज सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आज पूरी दुनिया भारत को आशा की नजरों से देखती है। देश जहां पर धारा 370 हट गई है और अलगाववादी ताकतों को बैन किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार नहीं है, वहां से नकली नोटों, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी हो रही है। पश्चिम बंगाल से देश में भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय अगले 3 दिन तक उत्तराखंड में हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद ने जो अपनी छाती पर गोली झेली, शहीद भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, अपना बलिदान दिया, जिस भारत के लिए उन्होंने बलिदान दिया वो भारत हमें मिला क्या, इस पर कभी विचार नहीं। वो नागरिका तक नहीं है हमारे पास। पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना था, कहा है 5 नदियां? हमें आजादी मिली, कटी फटी आजादी, पूरी आजादी नहीं। इसके कारण क्या थे, इस पर विचार करना, इस पर चिंतन करना। क्यों भारत का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा। संगठन की परिस्थिति, जहां सरकार है वहां सरकार की परिस्थिति देखना, अध्ययन करना और उसके बारे में एक नोट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना, यह हम सब जनरल सेक्रेटरी का एक रूटीन वर्क है कि हम 3 राज्यों के 3 प्रदेशों में जाएं